और दुर्गा प्रसाद बाबू और माथुर बाबू ने गए साल जब झंडा फहराया दो मर्डर हुए थे। आज तो मेरी सिकल है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। जय हिंद। दादा, यहाँ झंडा फहराने के लिए माथुर और उसके गुंडे आ रहे हैं। मैं मिठाई बांटू क्या? चल खसक। ये हमारा एरिया है, यहाँ हम लोग झंडा फहराएंगे, बोल दो। इस टाउन का अपने टाइगर है, अपने फहराएंगे, बोल दो। झंडे को अगर छुआ तो हाथ तोड़ देंगे, बोल दो। क्या हाथ तोड़ेगा? आओ दादा, तुम ही फहराओ। कौन रोकता है तुम्हें, देखता हूँ। अरे दुर्गा प्रसाद जी, जरा बाहर जाओ तो। कौन मारा तेरे को? प्रभाकर। कौन वो? माथुर का छोटा भाई जयराज, जरा समझ लेना उसको। हाय किरण। क्यों भाई, करेक्ट एग्जाम टाइम पे आए हो? डट के पढ़ाई किए क्या? उसको क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का छोटा भाई है, वो पास नहीं तो हम पास होंगे। पास होना बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट क्लास में पास ना हुआ तो भैया बहुत दुखी होंगे। तूने कैसे पढ़ा? क्या जरूरत है, ये गोल्डन गाइड है, इसके 35 मार्क्स, ये गिरजा गाइड, इसके 35, दोनों से काफी मारूंगा दोस्त। 35+35 70 फर्स्ट क्लास। हाय मिंटो, ये क्या हाफ ईयरली परीक्षा को इतना महत्व दे रही हो? बढ़िया मार्क्स लेके क्या करोगे? होने वाले पति को दहेज में देगी। हम भी तेरे जैसे हैं। मर गए। बेल बज के चलो। तुम चलो, मैं दम मार जाता हूँ। ठीक है। सिगरेट जो पी रहा है वही। Thank you.
दुर्गा प्रसाद डाउन डाउन 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 दुर्गा प्रसाद डाउन स्वयं द्रौपदी को दांव पर लगाया था। द्रौपदी को दांव पर लगाने से पहले उस समय आप सब लोगों दादा दिन भर ये कैसे देखते हो उबे नहीं नहीं अब उनको ये दुर्योधन भिड़ू बहुत पसंद है क्या जिगर वाला है बाप सेम अपना कैरेक्टर। नमस्ते लॉयरमैन साहब। कौन लिखा है इसको? वेद व्यास ने। बम्बई का है? नॉर्थ इंडियन। कोई भी हो हम यहाँ वाले हैं तो वो नॉर्थ इंडियन इंडियन है ना। अब उनको अच्छा लगा ये स्टोरी सेम अपना कैरेक्टर। छोटे को अरेस्ट कर लिया दादा। छोटे को गिरफ्तार कर लिया। जब वो मर्डर किया तो उस टाइम पे उसको कोई देखा? भारती नाम की एक लेक्चरर ने उसे देखा। लेक्चरर ने? वो औरत क्या हिम्मत करेगी गवाही देने की। अब उनको पिक्चर देखने दो। अंधे का पुत्र अंधा। सुनो वो पोटी गवाही देने वाली है। भारती उन गुंडों के पचड़ों में मत पड़ो। मैंने कहा था तुम न मानी हो गवाही देने चली गई। नतीजा क्या हुआ देख लिया। माधवराम जी कैसी बातें कर रहे हैं आप जैसे कोर्ट के गुमास्ते का ऐसा बोलना अधर्म नहीं होगा। धर्म को ही प्रधान मानने वाले धर्मराज को पूरे 13 बरस जंगलों में घूमना पड़ा। अधर्म जीता सिर्फ 13 बरस, धर्म फिर भी पनप रहा है 13,000 वर्षों से, ये मत भूलिए। अब आप मत डरिए, मालूम नहीं था वो अटैक करेंगे तभी होशियार नहीं थे हम लोग। ये केस पूरा होने तक मैं आपकी बेटी की रक्षा करूंगा। सच बोलने वाले को पुलिस से मदद मांगनी पड़ेगी हमारे देश का दुर्भाग्य है, लेकिन सच पर ही देश का अस्तित्व निर्भर है। डरिए मत, भारती को कोर्ट में आप लाइए, मैं चलता हूं। दीदी तुम कोर्ट में गवाही मत दो, मैं अभी दुर्गा प्रसाद जी से बात करके आया हूं। मेरी बहन हुई ये नहीं जानते थे वो लोग। अब कोई खतरा नहीं है तुमको, सिर्फ कोर्ट में गवाही मत दो। तू सही रास्ता छोड़कर उन गुंडों के गैंग में क्यों जा घुसा उल्लू? बेटी भारती मेरी बात मानो, ट्रांसफर करवा लो। मैं जरूर गवाही दूंगी। टीवी हमसे खिलवाड़ करती है। ए हटवे। वो टीवी बंद कर बे। क्या हुआ?
ये स्टोरी तो आपको पसंद है, आप बोले थे ना? और ये सीन मंडल है बे, ये दुर्योधन पागल माफी पानी में उड़ी मारा कायकू, ये सीन गड़बड़ लगा मेरे को भाई। ठीक बोला, ये स्टोरी बहुत सारे लोग लिखे हैं, वेद व्यास जय मुनि और भी कई लोग। हाँ, उनमें से कोई इसको बदला। कहाँ मिलेगा वो, जरा फोन घुमा के बोला तो। वो सब तो कब के मर गए, बच गए भाई लोग। नमस्कार। नमस्कार लॉयर मैडम, आओ। छोटे को बेल पे ले आई? नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा? कवा पर हमला किया उस जुर्म में शेर सिंह और रामू भी अरेस्ट किए जा चुके हैं। अरेस्ट? इस टाउन के एसआई की इतनी हिम्मत हो गई क्या? ऐसे नहीं थोड़ी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रकाश ने अरेस्ट किया उन्हें। ईपी प्रकाश ने? उसकी शादी हुई? नहीं हुई। किस एरिया में है वो? आप मर्द, मैं औरत, ऊपर बारिश और नीचे कीचड़, इफ यू डोंट माइंड, थैंक यू। जब घुसी आई हो तो बुरा क्या मानना जी, घुस तो तुम आई हो, संभल कर चलो। इधर आओ, नहीं तो तुम्हारा लेफ्ट और मेरा राइट भीग जाएगा। आप बड़ी मजेदार बातें करते हैं लॉयर साहब। मैं लॉयर हूँ, तुम कैसे जानती हो? नहीं जानती तो आपके क्षेत्र के भीतर आती भला, आप चलिए। ओ लॉयर जी, शुभ नाम क्या बताया? अभी तक तो कुछ नहीं बताया, नाम है प्रकाश। प्रकाश साहब, एक मदद करेंगे? फरमाइए। मेरी क्लासमेट ने मुझसे 10 रुपए उधार लिए हैं। 10 रुपए? बहुत बड़ी रकम है। हाँ, वो मुकर रही है, कोर्ट में केस किया तो मैं जीत जाऊंगी। गा है कोई कि उसने तुमसे रुपए लिए? दोस्तों के बीच गवाह नहीं होते जी, ओनली कोर्ट्स। व्हाट टाइप ऑफ कोर्ट्स? नोच के चुम्मी लेते हैं हम। कैसे? मुझे खुल के बताइए, मैं दूसरे टाइप का लॉयर हूँ, आई वॉन्ट फुल डिटेल्स। ऐसे दिए उसको। फिर तुमने पप्पी कैसे दी? कैसे बताऊं? डॉक्टर और लायर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए तुम्हें। कहाँ दी पप्पी? यहाँ 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 कहाँ? नजदीक आके दी पप्पी? ऐसे। याद रखना, तुमने ऐसे पप्पी दी है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है ये, इस केस को जीत नहीं पाओगी तुम। ऐसा क्या? मनी बैग? ये मेरी फीस है। ओ आई सी। ये छतरी आप उठाए अच्छा नहीं लगता, दीजिए मुझे। मैं उठा लूंगा। दो ना लॉयर साहब। ओके। ए, 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 मेरी छतरी दो। ए, मेरी 10 तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी छतरी मेरे हाथ में, बाय। दर्जन का कितना? सिर्फ 23 रुपए। सिर्फ 23 रुपए? 21 ले लो। कैसे होगा बाबूजी? अच्छा 21.5 में दर्जन पैक कर दो। मूंगफली। अच्छा बाबूजी। मूंगफली बाबूजी। तुम्हें देखा है कहीं पहले? हाँ, गली गली फिर के मैं बेचती हूँ, फिर देखा होगा मुझे। ये पुड़िया ले लो, वो नहीं आपसे। वो नहीं मैं कर रहा हूँ, नहीं बेचेगा अभी तक। हाँ नहीं, हाँ, मेरी माँ। चुप चुप चुप, कितने की है? हाँ, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। अरे ऊपर से फूली हुई, भीतर से खोखली, इसके लिए 2 रुपए? फूली नीचे भी होगी, आप टटोलो तो मिस्टर, तकलीफ उठाते हैं, धोखेबाज नहीं है, भीतर झांको तो। हाँ, पैसा निकालो। ठीक है, लूट लो मुझे। 100 रुपए का छुट्टा होगा क्या? अभी लाती हूँ। साहब मूंगफली दूं क्या? अभी गाड़ी के पास जो लड़की खड़ी थी, बेटी है तुम्हारी? अभी तक मेरी शादी ही नहीं हुई। क्या? लेकिन मेरी गाड़ी के पास कोई भी नहीं थी बाबूजी। आप फिर वो लड़की? आपको चूना लगा के पुर हो गई। वो मुझे चूना लगा गई। ए बाबूजी, 1 दर्जन बढ़िया संतरे पैक कर दिए। रुपए नहीं है, वो छोकरी मुझे लूट कर भाग गई। बाबा धर्म दान करो बाबा, बाबा, ए बाबा, 1 रुपए की भीख दे दो मुझे बाबा। बाबा 1 रुपए क्या, 20 रुपए ले और आजा। चुप। क्या बात है, खूब पिटाई की उस अंधी लड़की ने लोफर की। बाबा कोई है बाबा, आंखें नहीं बाबा, एक कोल्ड ड्रिंक देना बाबा, आंखें पैर नहीं है बाबा। एक मूंगफली बेचने वाली कल मुझसे 100 रुपए उड़ा कर ले गई थी। उसे जानती हो तुम? बिल्कुल नहीं बाबा, मेरे बाप ने दूसरी फैमिली रखी होगी बाबूजी। अफसोस है, ईश्वर भी कितना कठोर है, गोरे गाल बख्शे तुमको।
तीखी और बैनी नाक बख्शी तुमको। तुम्हें अगर भगवान ने ये सुंदर आंख और पैर दिया होता तो तुम हंगामा कर देती। हाँ, सो तो है साहब, भगवान के पास बीटिंग हार्ट नहीं है बाबू। गुस्से में भगवान को गाली मत दो। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बहुत नामी स्वामी विराजे हुए, उनकी मिर्ची वाली बूंदों से ये आंखें खुल जाएंगी। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अब फंसी पायल, इस दफा हार जाएगी। बोली थी 3 बार लाए को हराऊंगी, अब आएगा मजा। अब उसे बिना कपड़ों के सिर्फ ब्रेजियर और चड्डी में बाजार में घूमना होगा। स्वामी के यहाँ ले जाने के बजाय मछली वाले के मोहल्ले में क्यों लाए हो? खूब घुमा फिरा कर ले जाऊंगा तुम्हें। ओफो, इसे मालूम हो गया मछली की माफी तोड़ पाएगा मुझे। मैं रूप वाली हूँ, चोरों का राजा, तू रुक जा जरा, दिल लूट के
खुला प्यार तू ना जताना, जमाना बदनाम करेगा। दुनिया से मतलब क्या तुम जो मिटाए, चालू है तू पर रंगीली है तू, अरे होश में तू आना प्रेम रोक मत लगाना। अरे दुर्गा है, दुर्गा विलास काका होटल में प्लेट धोने वाला दुर्गा तू है क्या? भेजा फिरा तो कोई को भी समंदर में डुबो देवे, वो अपन के पास हिम्मत है। डुबाओ? सुन, उस माथुर ग्रुप और मेरा ग्रुप के बीच में बड़ा दुश्मनी है, मर्डर भी होते हैं, वो सब का फैसला कर लेंगे हम, तू भूल जाना अपन को। इस केस में भारती को भारी पड़ेगा गवाही देने को, भूल देना। तुम ये गीदड़ भाग के किसी और को देना। अक्कल का बात मैं कोर्ट के बाहर बोलता हूँ। मैं कोर्ट के भीतर बोलता हूँ। मैं बोलने नहीं दूंगा। मैंने तेरे जैसे कई देखे हैं। शट अप! और बोला तो इंटिमिडेशन एक्ट के तहत बड़े घर भिजवा दूंगा। इडियट! शाबाश, बड़े निडर हैं आप तो। मेरा नाम माथुर है। ओ, वो अपने को गुंडा बोलता है, तुम उसके बाप हो? हिम्मत से केस को लड़िए, मेरे लोग साथ देंगे। मुझे हिम्मत हमेशा न्यायमूर्ति देती है मिस्टर, तुम्हारी माँ नहीं। गौर से देखो, भगवान ने सबको पांच उंगलियां दी हैं, मुझे छह उंगलियां दी हैं। पांच खाने के लिए, छठी गर्दन काटने के लिए। शायद तुम्हारी जबान ज्यादा लंबी है, उसे छोटी करने के वास्ते तुम्हें भगवान ने छठी उंगली दी है। तू उस गैंग में क्यों घुसा है? माथुर बहुत बढ़िया आदमी है। शट अप बेवकूफ, गुंडे बढ़िया होते हैं, ये कौन से डिक्शनरी में पढ़ा है तूने? घर जा। ईश्वर की सौगंध खाकर कहो। ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ। सब कुछ सच कहोगी, झूठ नहीं कहोगी? सब कुछ सच कहूंगी, झूठ नहीं कहूंगी। योर ऑनर, मुजरिम छोटे ने स्टूडेंट लीडर प्रभाकर की हत्या की और उसके चश्मदीद गवाह को शेर सिंह और रामू ने मारने का प्रयत्न किया। प्रोसिक्यूशन का ये आरोप है। सच ये है कि उस हादसे से मेरे क्लाइंट्स का कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए रहम दिली से केस फॉलो करें। मेरे क्लाइंट्स निर्दोष हैं, उनकी रिहाई की मैं प्रार्थना करती हूँ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप किस सोच में डूबे हैं? यही कि मैं रिजाइन कर दूं तो वाजिब होगा। व्हाट? इस मुल्जिम के स्टूडेंट लीडर का खून करते वक्त चाहे मैं वहां मौजूद ना हो, लेकिन इस गवाह पर इन खूनियों ने जब प्राणघातक हमला किया तो इन्हें बचाया मैंने, अरेस्ट करवाया मैंने, घायल हुई गवाह को हॉस्पिटल भी पहुंचवाया मैंने। एक लॉयर ने खुद अपने हाथों कोर्ट के पास मुलजिमों को पकड़वाकर जो केस किया, ऐसे मजबूत केस को फाजिल वकील झूठा कहे तो या तो इन्हें शर्म आनी चाहिए या ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पीपी साहब इंसल्ट कर रहे मेरी,
इंसल्ट? गुंडे बदमाशों के गुनाहों को छुपाने वालों की भी इंसल्ट होती है। व्यक्तिगत नोकझोंक में न पड़कर आप दोनों असली बात पर बहस करें तो अच्छा होगा। गवाह को एग्जामिन कीजिए। सुनिए भारती जी, आप क्या पढ़ाती हैं क्लास को? हिस्ट्री हो, बॉटनी हो, लेकिन ये पढ़ाने नहीं, यहाँ पर गवाही देने आई है। डिफेंस को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। स्टूडेंट लीडर की हत्या आपने खुद देखी? मेरे सामने, मेरे रूम में हत्या हुई। आपके रूम में आपके सामने हत्या हुई तो भी आपने रोका नहीं उसको? भयभीत हो गई? अगर आप डरपोक हैं तो इस केस में विटनेस बनने में भय नहीं लगा आपको? सच सच बताइए, उन हत्यारों से आप नहीं मिली हुई थी? नो! तो फिर हत्या के वक्त उन्हें आपने रोका क्यों नहीं? कम ऑन, टेल मी। आपने क्यों नहीं रोका मुझे खून करने से? भाग क्यों खड़ी हुई? सॉरी योर ऑनर, डिफेंस लॉयर वाली बहस बेबुनियाद साबित करने के लिए ही मैंने ये ड्रामा किया। कभी मुझे देखा है तुमने? जी नहीं। कभी तुम्हारी ठुकाई की है मैंने? जी नहीं। पुलिस ने तुमको अरेस्ट किया? जी नहीं। जी नहीं, बस एक ही बात, डिफेंस वालों ने राम जब की तरह मुलजिमों को पढ़ाई है योर ऑनर। पुलिस के अरेस्ट किए बगैर कोर्ट के इस कटघरे में क्यों खड़े हैं ये भूलकर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। क्यों भाई, कोई तुमको ऐसे झूठ बोलने को बोला क्या? कोई नहीं बोला जी। कोई तुमको नहीं बोला? कॉलेज में प्रभाकर को मार के जब चाकू तुम दुर्गा प्रसाद के पास लेकर गए तो उसने चाकू छुपाने को बोला, बोला था ना? तुम उधर क्यों देख रहे हो, इशारों के वास्ते? तुम मुझको देखो या फिर जज साहब को देखो। खून करके चाकू लेकर तुम कहाँ भागे? भागा नहीं था मैं। नो, तुम भागे थे, तुमने दीवार भी फांदी थी। नहीं फांदी थी। फांदे थे तुम, चाकू लिए रेल की पटरी के पास भागते हुए तुम्हें ट्रेन के मुसाफिरों ने खुद देखा। नहीं, मैंने चाकू तो नदी में फेंक दिया था। That's all, Your Honor. स्टूडेंट लीडर प्रभाकर के खून करने के जुर्म में आईपीसी 302 के तहत मुजरिम को फांसी की सजा दी जाती है। गवाह की हत्या करने की कोशिश करने के जुर्म में रामू और शेर सिंह को अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है। गुंडों से दोस्ती तो थी ही, अब पीना भी शुरू कर दिया तूने? मेरे दोस्त का जन्मदिन था। मार डालूंगा तुझको। क्या हुआ? तुम इसको समझाओ दीदी। मैंने सोचा तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा इसे, पर ये गुंडों की संगत में। माथुर गुंडा नहीं है। भैया रुक जा। सच भैया, दुर्गा साले के गुंडे लोग हमारी जात के स्टूडेंट को मारने आए। माथुर के लोगों ने टक्कर ली उनसे। माथुर हमारी जात का है। क्या बोला? सच भैया, माथुर हमारी जात का है। हमारे जीजाजी की यूनिफॉर्म की जात क्या है? मेरे काले कोट की जात क्या है? राजकीय नेता लोग, गुंडे लोग, तुम जैसे विद्यार्थियों को जाति और धर्म की भूल भुलैया में जकड़कर अपना उल्लू सीधा करते हैं और कुछ नहीं। तुम अपना भविष्य भूलकर उनके पीछे पीछे घूमते हो। सुनो भैया, काले कोट और खाकी यूनिफॉर्म की हिफाजत में हो तुम। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम्हारा वो गुंडे। तुम उनकी कंपनी छोड़ दोगे, मुझे वचन दो। Oh!
इधर घुमा। पीछे से बात करो, फिर नहीं दिखाऊंगी। अंदर क्या छुपा है? बहुत कुछ है। घुमा। तो तुम हो? तुम तो बड़ी पहुंची हुई हो। पुलिस में रिपोर्ट करो। सर, 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 आप सब, सर, सर। कौन है? नाव सर प्रकाश, पुलिस को फोन कीजिए। ये छोकरी बंगले में चोरी करने वाली थी। चोरी क्यों करेगी? ये मेरी बेटी है प्रकाश। सर, डैडी। इसकी माँ नहीं है इसलिए छूट दी हुई है मैंने इसको। यही तो एक मेरी भूल है। That's right सर, she is out of control सर। मैं चलता हूँ सर। प्रकाश को कैसे जानती हो? प्रकाश? कौन प्रकाश? पायल, मैंने दुनिया की है, झूठ ना बोले मुझसे। बोलो कैसे जानती हो? इसको फूल बनाऊंगी, अपनी फ्रेंड से बेट लगाई थी डैडी। फूल बनाया उसे? हाँ, नो, यस। उसने तुम्हें फूल नहीं बनाया? ओ यस, आई नो। शरीफ है तभी फूल नहीं बनाया तुम्हें। खैर अब तुम सो जाओ। थैंक यू डैडी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बोरीवली मर्डर केस की पूरी छानबीन कर ली है सर, ये देखिए। मैंने तुम्हें बुलवाया है किसी और काम से न सर प्रकाश? आई नीड योर हेल्प। माई हेल्प? हाँ भाई, तुम्हें मेरी बेटी को पढ़ाना होगा। पायल वकील बने ये मेरी ख्वाहिश है, और वो सिर्फ तुम्हारे ही बस की बात है। सुनो मिस, फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं तुम्हारे पास? नो। तुम्हें मार्क्स कितने मिले कुछ याद है? 36, 24, 36। तेरा सवाल तुम्हारी बॉडी के नाप का नहीं था, मार्क्स का था। हॉल टिकट पर लगने वाला जो फोटो था, ब्यूटी कॉन्टेस्ट फॉर्म की नजर हो गया। हॉल में कैसे जाती बोलो? एग्जाम हो गया गुल। क्या कहने। सुनो मैडम, दुनिया में होने वाली हत्याओं के 5 ही कारण होते हैं। रुपया, प्रतिकार, नफरत, सैडिज्म, कुर्सी की हवस। इसके अलावा जीवन में उबे हुए लोग हत्यारे रेपिस्ट भी हो जाते हैं। और सेल्फ में कपड़े भी गोए हुए हैं, 2 मिनट में धोकर आती हूँ। हाँ, जाऊँ? ताज्जुब है, नौकर नहीं है क्या? हम लोग अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। थैंक यू। पायल, पायल, पायल कहाँ है? मुझे कपड़े धोने हैं ये बोलकर गई है सर। इतने पैसे वाले होकर अपनी बेटी से कपड़े धुलवाते हैं, रियली यू आर ग्रेट। मैंने कपड़े धोने को कहा? हाँ साहब, उसने कहा हम सब अपने कपड़े खुद ही धोते हैं। ओहो, बिटिया ने बताया? जी हाँ। ठीक है, इधर आओ। देखा तुमने, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ प्रकाश। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसे जाना था, मैंने ना बोला, बस तुम्हें टोपी पहनाई और वो भाग गई। दीजिए, क्योंकि बंदर ही मानव का पूर्वज है ये सब जानते हैं, और आज ये बात साबित हो गई इस पूंछ से। तो
इस पूछ वाली को मिस वाइजेट का खिताब दे, ये विनती है मेरी। फूट लो। रुक जाओ, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, रुक जाओ। मुझको पूछ क्यों लगाई? तुम पूजा से मेरे पीछे जो पड़ी रहती हो। भोला भाला सा बेबी फेस जो है तुम्हारा, मैं भी वैसी ही हूँ ना, हम दोनों की जोड़ी बन जाए। ये गोरा गोरा बदन तुम्हारा, पतली कमर पे दिलवारा है लवली। ये प्रीत के संकुल सजना के अंकुर जब के लगे मैं खिलसी गई हूँ लवली। वो गोरी नजराना प्यार दे दो, प्यार क्या है रूप कुमकुम होने दो। वो गोरी नजराना प्यार दे दो, प्यार क्या है रूप कुमकुम होने दो। ये गोरा गोरा बदन तुम्हारा, पतली कमर पे दिलवारा है लवली। हाँ प्रीत के संकुल सजना के अंकुर जब से लगे मैं खिलसी गई हूँ लवली। जाने ना दिल पर चाह है कितना तुझको, पूजा है कितना तुझको कहेगी बहार। क्या जोड़ी है अपनी जो दिल का है ये बंधन, रंगी मैं तेरे रंग में तू मेरा है सिंगार। तू है बिजली और इस दिल पे फिसली, आओ खेले दो दिल की आँख में चोली। ये गुल तो करता है प्यार तुझको, तुम सा नहीं देखा यूँ हंसी देखे है लाखों। ये गोरा गोरा बदन तुम्हारा, पतली कमर पे दिलवारा है लवली। ये प्रीत के संकल्प सजना के अंकुर जब से लगे मैं खिलसी गई हूँ लवली। ओ गोरी नजराना प्यार दे दो, प्यार क्या है रूप कमकम होने दो। ओ गोरी नजराना प्यार दे दो, प्यार क्या है रूप कमकम होने दो। ये गोरा गोरा बदन तुम्हारा, पतली कमर पे दिलवारा है लवली। ये प्रीत के संकल्प सजना के अंकुर जब से लगे मैं खिलसी गई हूँ लवली। परियों से सुंदर है तू, ये मुस्कुराना छोड़ो, दिल जाने तुम आ जाओ यूँ छोड़ तू नखरा। अरे अरे नाच लगोरी एक दूजे में समा जा। मैं नाचूं मैं गाऊं रे सजना मगन हो, तुम्हारी बनी बन गई हूँ मैं तमाशा। ये गोरा गोरा बदन तुम्हारा, पतली कमर पे दिलवारा है लवली। ये प्रीत के संकल्प सजना के अंकुर जब से लगे मैं खिलसी गई हूँ लवली। ओ गोरी नजराना प्यार दे दो, प्यार क्या है रूप कमकम होने दो। ओ गोरी नजराना प्यार दे दो, प्यार क्या है रूप कमकम होने दो।
ये गोरा गोरा बदन तुम्हारा पतली कमर पे दिलवा रहा है लवली। हाँ, बीत के संग संग सजना के अंकों जब से लगे मैं खिलती गई हूँ लवली। मंडवाली होली भली छमिया छबीली चलो झुमरी तलैया ये रुत है रंगीली। डोले डोले ये खाए बदमा बोले राजा मुहब्बत का मारा बदमा। अरे मन वाले बोली भली धनिया छबीली चलो झुमरी तलैया ये रुत है रंगीली। जिया डोले हिंडोले ये खाए बलम्बा बोले राजा मुहब्बत का मारा बदनवा। अरे दिलवा चुरा के चली दिल में चुरिया चुबाए चली। सैया मुस्काए गिरी बिजुरी तेरा यौवन है अमृत गगरी। अरे मन वाले बोली भली छमिया छबीली चलो झूरी तलैया ये रुत है रंगीली। जिया डोले ही डोले ये खाए बलम्मा बोले राजा मुहब्बत का मारा बदनवा।
काम तेरे है जिंदगी, तम्मी या चुम्मी प्यार से दे धुमरी और मेरी ले ले हंसी। चमत्कारी सजनवा तू मस्ताना है, दिल ये मेरा तेरा ही तो अफसाना है। मुझे ले जाएगा कहाँ ले जाएगा, बड़ा तनसा है प्यासा है दिल। अरे ने 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 जिया डोले डोले ये खाए बलम्बा, भोले राजा मोहब्बत का मारा बदन्बा। अरे मतवाले भोली भली चन्या छबीली, चलो झुमरे तलैया ये रुन है रंगीली। सैया मुस्काए गिरी बिजुरी, तेरा यौवन है अमृत गगरी। अरे दिलवा चुरा के चली, दिल में छुरिया चुभाए चली। अरे मन वाली भोली भाली कमिया कमीली, चलो धूमरे तलैया ये रुख है रंगीली। जिया डोले ही डोले ये खाए बलम्मा, भोले राजा मोहब्बत का मारा बदन्मा। लॉयर प्रकाश, लॉयर प्रकाश, हाँ हाँ दोनों का कंबाइन ले लो। अरे वहां क्या कर रहा है, यहां से आके लेना चल। सलाखों के पीछे तुम दोनों के फोटोज जब पेपरों के फ्रंट पेज पर प्रिंट होंगे तो सब लोग बहुत दिनों बाद आराम से सोएंगे। अब लगा लो जितना जोर तुमको लगाना हो। बेस्ट ऑफ लक। जो पी पी साला अपन को लॉकअप में ठूस दिया। ये सीन दादा को पसंद नहीं, काट दे। ए, चलने दे भाई। ये सीन तुमको पसंद नहीं उस दिन कहा था ना? एक लिखे लाए वो दिन भूल हो गई थी। अपन लॉकअप में घुसा था, वो पानी में घुसा। करेक्ट लिखा वो। अपन को वो बहुत अच्छा लगता है, सेम मेरा करेक्टर। तुम यूं ही आई हो या कोई रास्ता भी ढूंढी हो उस माथुर को फांसी पर चढ़ाने का? केस दोनों बहुत मजबूत हैं। आप दोनों से दोस्त हो जाइए। मेरे भाई को मारने वाले का अपन दोस्त हो जावे? नहीं तो फिर दोनों फांसी पे चढ़ जाओगे। चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे। अपने भेजे को तुम लगाकर अपन को छुड़वाया तो ठीक है, नहीं तो अगर अपन को कुछ हो गया तो अमेरिका ने इराक को जैसे बमों से फोड़ डाला वैसे कोर्ट को भी फोड़ डालना। सोच लीजिए, अपना छूटे और कोर्ट में सजा मिली तो बहन के ब्याह का क्या होगा? इस परिस्थिति में दुर्गा प्रसाद से दोस्ती में ही फायदा है। तुम लोगों की वफा की मैं कद्र करता हूँ। उस दुर्गा प्रसाद से बरसों की दुश्मनी चली आ रही है मेरी, तो क्या बहन की शादी रुकने के डर से मैं दुश्मनी भूलकर दोस्ती कर लूँ उससे? इम्पॉसिबल। अच्छा ये है कि मैं जज को पकड़ूं और केस को अपने फेवर में कर लूं। सुनो, जज को फंसाना मुश्किल होगा और पीपी प्रकाश ने बोला है वो आपको सजा जरूर दिलवाएगा। मुझे सजा मिली तो देश भर में कोहराम मचा दो। योर ऑनर, शंभू प्रसाद हत्या केस में माथुर मुलजिम, दुर्गा प्रसाद साक्षी। जयराज पर कातिलाना हमला करने वाले केस में दुर्गा प्रसाद मुलजिम, माथुर साक्षी।
पिछले कुछ सालों से इस शहर में हुई बहुत सी हत्याओं और लूट मार की वजह ये दोनों है, और उन सब बातों का ये कोर्ट साक्षी है, यहाँ के लोग साक्षी हैं, इस सिटी का पुलिस डिपार्टमेंट साक्षी है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, वाद और विवाद शुरू होने से पहले ही केस खत्म होने वाली बहस शुरू कर दी प्रोसिक्यूशन ने, बड़ी हैरानी की बात है। यस यस मिस्टर प्रोसिक्यूटर, साक्षी से सवाल कीजिए। अपने भाई शंभू प्रसाद को मुलजिम द्वारा कत्ल होते हुए आपने आंखों से देखा है, क्यों सच है ना? नहीं। फिर केस क्यों किया आपने? एसपी साहब ने कहा कि केस फाइल करो, नहीं तो हड्डियों का सुरमा बना दूंगा, तभी तो केस किया आपने। ये झूठ है, तुम कोर्ट को गुमराह करना चाहते हो। जय राज पर इस दुर्गा प्रसाद ने हमला किया, तुमने खुद देखा था ना? नहीं। फिर केस क्यों फाइल किया? ये हुक्म मुझे एसपी साहब ने खुद दिया। योर ऑनर, इन लोगों को मालूम था कि इन्हें सजा होगी, इसलिए ये दोनों गुंडे पवित्र मंदिर जैसे स्थान को धृतराष्ट्र की सभा बनाने की कोशिश में हैं। नो, इट शुड नॉट हैपन। ऐसा करने से इन्हें रोकना है। दे शुड बी पनिश्ड फॉर देयर मिसडीड्स। योर ऑनर, एसपी साहब इनके बहनों ही हैं। ये दोनों उनके बनाए झूठे केस हैं, और ये अपनी बातों से कोर्ट का नजरिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के दबाव से बने हुए दोनों केस झूठे हैं, इसलिए दोनों को बेकसूर मानकर इन्हें बाइज्जत छोड़ें आप। साहब इस्तीफा देकर घर चले गए। गुंडों की चालों से ऊबकर इस्तीफा दे दिया, उनसे खौफ खाकर आपने अपने घुटने टेक दिए। सच्चाई का जब मुझे गला घुटना पड़ा तो इस्तीफा दे दूंगा, मैंने कसम खाई थी। वो बेगुनाह है, आपको महसूस हुआ तभी वो फैसला सुनाया ना। ये मत भूलो कि इंसाफ को जाती जज्बात नहीं, सबूत चाहिए। कोर्ट तो बस पेश किए हुए सबूतों और गवाहों की गवाहियों की बिना पर हुक्म देती है। किराना दुकान के माफिक अदालत के द्वार भी खुलते हैं रोज, पर इसे न्याय का मंदिर बना नहीं पा रहे हैं हम। लाठियों से मारते हैं छोटे चोरों को, पेट के वास्ते व्यभिचार करने वालियों को यहां लाकर जुर्माना ठोक देते हैं, लेकिन बीच रोड पर खून बहाने वालों को, भरी दोपहर में बलात्कार करने वालों को, कलम से लिखे हुए कानून को चाकू घुमाकर डराने वालों को हम कोर्ट में लाकर खड़ा करने को भी मजबूर हैं। भूले भटके ले भी आए तो उनको फांसी नहीं दे पाते हम। हमारी विद्या, हमारी बुद्धिमानी, नीति प्रियता, देशभक्ति, भारत का गौरव, सब सब गॉन विद द विंड। इसलिए इस्तीफा दिया मैंने। मेरे जमीर ने जो फैसला किया वो तुमने नहीं सुना। दीज आर माई रियल जजमेंट पेपर्स, माई अनडिलीवर्ड जजमेंट पेपर्स। आप जो फैसला नहीं सुना पाए उसे अब मैं लागू करूंगा। इस शहर को खून से भिगोने वाले राक्षसों को बढ़ावा देने वाले दुर्गा प्रसाद और उस मातृ को
मैं छोड़ने वाला नहीं। नमस्ते सर। बैठिए। थैंक यू। मेरी बहन का ब्याह है। थैंक यू। ब्याह में लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब आ रहे हैं। आपसे परिचय कराऊंगा, आपको जरूर आना होगा। हेलो। हेलो। इसी मुहूर्त में मैं अपनी भी शादी कर लेना चाहता हूँ। गुड। आपको मंजूर हो तो आपकी बेटी से ही कर लूंगा। जलने वाले मुझे गुंडा कहते हैं। बहुत से खून के केसों में भी फंसाया मुझको, एक केस भी प्रूव न कर सके। आपको मालूम है मेरा भी आपके जैसा माननीय कुटुंब है सर। आपकी बेटी भी मुझे पसंद है, क्या विचार है? आई एम सॉरी, मैं अभी कुछ बरसों तक बेटी की शादी नहीं करूंगा। अपनी मंशा मैंने बता दी, चलता हूँ। तुम लोग मोहल्ले में ये ढोल क्यों पीट रही हो? शहर के मशहूर गुंडे माथुर साहब को मैं पसंद आ गई हूँ, वो मुझसे ब्याह करना चाहता है और ये बात मैं पूरे शहर को ढोल पीट के सुना रही हूँ। क्यों बिला वजह तकलीफ? 15,000 रुपए लेकर टीवी वाले सुना देंगे। शर्म नहीं आती तुम्हारी होने वाली बेबी से? अगर कोई और शादी करना चाहे तो तुम शहनाई बजाओगे? सुनो, मैंने तुमसे ब्याह किया और किसी गुंडे ने तुमको आंख मारी तो मैं उसको कोर्ट में लाके बहस करके 2-5 महीनों के वास्ते शायद जेल भिजवा दूं। लेकिन गुंडे लोग तो जरा सी बात पर खत्म कर देते हैं फौरन। मेरी बात मानो, उसी से शादी कर लो। देखने वालों की नजर से तुम बचो बेटी, पहन लो बेटी। दे दे रे। नहीं पहनूंगी। तुम्हारा पोता मुझसे ब्याह करेगा ये ऐलान करना है? नहीं तो? अभी तो सिर्फ एक ही उतारा है ना, एक एक करके सारे कपड़े उतार के फेंक दूंगी। ओह ओह, भैया मान भी जाओ ना। ये सब धौस है दीदी। शुरू करो। भैया ये तो सामूहिक वस्त्र उतारने की योजना लगती है। अरे ये वहीं तक है दीदी, सबको उतारने को बोलो। जान ले हम नशीश्क तो खुदा है, दिल को समझाऊ मैं किस तरह। दिल ये धड़ फिर क्यों आवाज दियो, दिल की तलन ये मिटे आजाने में। जान ले हम नशीश्क तो खुदा है, दिल को समझाऊ मैं किस तरह। मेरी ये जवानी हुई दीवानी, देखो ना मुझको तुम किस तरह। दिल ये धड़के रे क्यों आवाज दे यू, दिल की जलन ये मिटे आजा मन को। मेरी ये जवानी हुई दीवानी, देखो ना मुझको तुम किस तरह। ये जिंदगानी एक कहानी, कितनी हसी है सीखो। बाकी उम्र है देखो, और भी दिल के पास आओ। इकरार तुम करो, निशानी दो हमें, निशानी कोई दो।
जान ले हम शीश तो खुदा है, दिल को समझाऊं मैं किस तरह। मेरी ये जवानी कोई दीवानी, देखो ना मुझको तुम किस तरह। दिल ये धड़के रे क्यों, आवाज दे यूं दिल की जलन ये मिटे, आ जान मन तू। मेरी ये जवानी कोई दीवानी, देखो ना मुझको तुम किस तरह। जान ले हम शीश्क तो खुदा है, दिल को समझाऊं मैं किस तरह। नाचो 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 गाओ गाओ, नाचो 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 गाओ गाओ, नाचो नाचो गाओ गाओ, नाचो 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 गाओ गाओ, नाचो नाचो गाओ गाओ रे, नाचो 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 गाओ, नाचो नाचो गाओ, बिनी 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 बरखा। ना जाने किसने दिल चुराया, कहता है दिल किसको जानम। लक्की की गंगा तू छलका दे दूर को, ना जाना प्रीतम। जानू ना किधर है मेरी मंजिल, धड़कनों में मची है हलचल। दूर तो न जा यूं पास भी न आ, बेचैन दिल मेरा होने दे ओ हम सफर तू। मेरी ये जवानी कोई दीवानी, देखो ना मुझको तुम इस तरह। जान ले हम शीश्क तो खुदा है, दिल को समझाऊं मैं किस तरह। दिल ये धड़के रे क्यों, आवाज दे यूं दिल की जलन ये मिटे, आ जाने मन। जान ले हम शीश्क तो खुदा है, दिल को समझाऊं मैं किस तरह। मेरी ये जवानी हुई दीवानी, देखो ना मुझको तुम इस तरह। तुम्ही ने इस युद्ध को आमंत्रित किया था, तुम्ही ने शांति के सारे द्वार बंद किए थे। क्या रे, सीन अच्छा नहीं है क्या? तुम्हारा माथुर की बहन के ब्याह में जाना खोटी बात है। वो प्रभाकर के खूनी जयराज को छुपाए हुए हैं, पर तुम तो खून का बदला लेने की बजाय बड़ी भेंट ले जा रहे हो वहाँ। वो माथुर साला अपन को भी पसंद नहीं है भाई। दो चार रोज तक तो सब्र कर, उस जयराज को कब्रिस्तान भेज दूंगा। मेरे फ्रेंड दुर्गा प्रसाद, लायर कमला, सोमनाथ, मेरी बहन और बहनों, सब मिनिस्टर सब आ गए हैं। वेरी गुड, वो हार लेकर आओ जल्दी। चलो, ब्याह का पूरा इंतजाम बढ़िया है, खुशी हुई, दूल्हा भी बहुत बढ़िया है। बैठो जी, तुम मेरे पास बैठो। ब्याह हो गया, हम दोनों को मिलाने वाली यही है। खुशी की बात है, ये शुभ कार्य तो हो गया, एक और शुभ कार्य को अपने हाथों से करके सादाबाद लौट जाऊंगा। तो आप दोनों अपने हाथ दो। आप दोनों सेंटर और स्टेट वालों जैसे लड़े तो आप लोगों की पान वाला भी इज्जत नहीं करेगा। बैठो जी। आप दोनों सदा के लिए एक दूसरे के जिगरी दोस्त बन के रहना, तुमको लाभ मुझको नाम मिलेगा। अन्य दोस्ती का अपन को क्या लाभ? मेरा तुम दोनों को भीतर बुलाने का कारण है, अगले इलेक्शन में तुम मेयर के लिए खड़े हो जाओ। वो तो ठीक है, अभी तो पुलिस का जुलूम बहुत बढ़ गया है, जरा बूझ मारना उनके शाने पन को। पहले एसपी साहब का ट्रांसफर कर दीजिए। जी जी, पुलिस की नौकरी करने से तो सफाई वाले की नौकरी कर लो तो बेहतर है। गुंडों को तो साफ नहीं कर पाया, सड़कें तो साफ कर सकूंगा। आप जोश में मत आइए जी। खूनी गुंडा मेयर होगा और एक गुंडा एमपी, अब तो इनके जुर्मों पर मुझे पर्दा डालना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझको नौकरी से निकाल देंगे। उससे पहले मैं नौकरी छोड़ दूंगा। वो लोग भविष्य में कहीं के नेता वेता नहीं होंगे, कैदी होंगे। इतना आसान केस नहीं है जिसमें वो फंसे हुए हैं। केस तो खारिज हो चुका, साबित क्या करोगे तुम? दीदी, दुर्गा ने केस किया था कि उसके भाई को माथुर ने मारा, माथुर ने केस किया था कि जयराज ने दुर्गा को चाकू मारा। बाद में दोनों झूठ बोले और बच गए। जयराज को छुरा मारना तो झूठ बात नहीं, उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया वो भी झूठ बात नहीं। तो मैं जयराज को पकड़ के नया केस बनाऊंगा, पहले दुर्गा प्रसाद को अरेस्ट करवा के मिले हुए हाथों को अलग करूंगा। केस पूरा होने के बाद जयराज कॉलेज के भीतर नहीं घुसा, उन दोनों ने उसे शायद मार दिया हो।
सुनिए, आप ही से कह रहा हूं, जरा जरा ये एक्सक्यूज मी, आइए। डोर क्यों बंद किया? स्टाइल बदल दिया। आपका मेरे बारे में क्या विचार है? तुम बहुत ही सुंदर हो, नाजुक भी बहुत हो, हंसमुख भी हो। इतना ही? मुझ में सच्चाई, नीति, हिम्मत कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। ये तो आज फर्स्ट टाइम मुझको दिखाई पड़ रही है। तुम्हें कमरे में ले आया इसलिए कह रहे हो तुम? नहीं तो इसलिए कि आने की जरूरत की। सुनिए, आप भी लॉयर हैं, मैं भी लॉयर हूं, आप थोड़ी हेल्प करें तो दो गुंडों को मैं जेल भिजवा दूंगा। बोलिए, जयराज कहां छुपा है? क्या भाई, क्या हो रहा है ना भीतर में? अपनी औरत को पटा तो नहीं रहा? सुनो, दुर्गा प्रसाद और माथुर जब अलग थे उस वक्त तुम उनको हिलान में कामयाब नहीं हुए, अब तो दोनों दोस्त हैं, बिना बात के तुम उनसे बैर कर रहे हो। मेरी बात मानो, सुलह कर लो, रुपया दिलवा दूंगी, ओहदा दिलवा दूंगी, मान सम्मान दिलवा दूंगी, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, तुम अपना जहर छोड़ दो। शट अप, शर्म वर्म तो तुम छोड़ चुकी हो, अब तुम्हें छोड़ना है काला कोट। क्या पूछा तुमको वो? जयराज को कहाँ छुपाया पूछ रहा था। तुम बोली उसको? नहीं बोली। जयराज से उसको कौन सा काम आ पड़ा? पुराना केस शुरू करना होगा। अरे सोमनाथ, जरा जानी को फोन पे बुला तो। हेलो, शाहपुर पुरानी हवेली। हाँ जानी, लाइन पे रुको, दादा बात करेंगे। हाँ नमस्ते, ये जयराज साले को हवेली के बाहर जाने को मत देना। क्या टीपी प्रकाश साला ढूंढ रहा है उसको। हेलो, प्रकाश बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ, ओ आई सी, शाहपुर की पुरानी हवेली में छुपाया उसे। हाय, ये डिक्की बहुत बढ़िया है। यहाँ पर क्यों आए तुम? मैंने प्यार किया, मैंने हाथ कंप्लीट तुमको दे दिया, तभी तो इतनी दूर आ गई। तुम अकेली इतनी दूर आई हो? मैं मर्द हूँ, अगर मैंने कुछ कर दिया तो फिर? कुछ करो, इसीलिए इतनी दूर तो आई हूँ, कब करोगे? तुम बड़ी पागल छोकरी हो, सर फिरी, पंक्चर लगा लूँ फिर तुम्हें ठीक करता हूँ। ये क्या, यहाँ स्टेपनी जैक वगैरह थे? जगह छोटी थी तो नीचे फेंक दिए। मुझे बताए बिना यहाँ पर क्यों आई तुम? हम अकेले होंगे तो फिर तुम कुछ करोगे ये सोच के? ए लॉयर, मैं अकेली हूँ बिल्कुल, भीतर शाम घुस आया तो? कुछ नहीं घुसेगा, आंखें बंद करके सो जाओ। ए लॉयर, हाथी चिंगाड़ा यहाँ पर आया तो? शीशे बंद कर लो। ओके, मुझको बहुत डर लग रहा है, तुम्हारे पास सो जाऊं? ए, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बिच्छू। किधर है? वहाँ। लॉयर, मेरी बॉडी में करंट पास हो रहा है। वोल्टेज ज्यादा हो गया। उइमा, होंठों को काट लिया दुश्मन। तुम पर प्यार आ गया। Thank you.
ये जो रात आई है यारा लाए दिल में तूफान, ये सहमी सी रात क्यों है दे दे मुझको चुम्मा, दिल कैसा चुम्मा लो अंदम हो प्यार करो, आहा ये जो रात आई है यारा लाए दिल में तूफान, ये सहमी सी रात क्यों है दे दे मुझको चुम्मा। साला शहर में दिखता नहीं, जयराज को ढूंढने गया होगा। अब बोलना पड़ेगा क्या, जाको पता लगाओ।
जयराज को उन लोगों ने किसी और जगह छुपा दिया है। आओ। सर, उनके गुंडे पहुंचने से पहले मुझे यहां से ले चलिए सर। नतीजा देखा गुंडों पर भरोसा करने का तुमने? जगह दी ना, तुम्हें कैदी बना दिया। तुम कोर्ट में बोलोगे कि उन्होंने झूठा केस थोपाया तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, बोलोगे ना तुम? बोलूंगा सर। ईश्वर की सौगंध खाता हूं, सब सच कहूंगा। शंभू प्रसाद की हत्या के रोज जो कुछ भी हुआ कोर्ट को बताओ। शंभू प्रसाद और मैं हम निवाला हम प्याला थे, हफ्ता भी इकट्ठा वसूल करते थे। तुमको कौन बोला वो करने को? दुर्गा प्रसाद। उसके विरुद्ध जब गवाही दी मेरी बहन ने तो अपने भाई से उसका मान भंग करवाया दुर्गा प्रसाद ने, इसलिए शंभू प्रसाद को मेरे मार डाला। इस वास्ते दुर्गा ने मारना चाहा मुझको। ये केस दोबारा अक्टूबर की 25 तारीख को पेश होगा। दुर्गा प्रसाद को फौरन गिरफ्तार करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को हुक्म देता हूं मैं। गुंडे दोस्त लोग, आज तक हम दोनों को पुलिस वाला लोग दुश्मन बनाया, लेकिन मंत्री साहब फिर दोस्त बनाया हम लोग को। अभी जो इधर में मेयर इलेक्शन है, अपन के थोपड़े को देख के तो कोई वोट नहीं देगा ना। तभी तो पास के हड़प्पा गांव से इनको बुलवा भेजा है। बम को फोड़ने में गुरु जनता के दुश्मन है लोग, आप उनके थोपड़े को देख के तो कोई वोट नहीं देंगे ना। इनको कमुआ गांव से बुलवा भेजा है। रिगिंग और बूथ कैप्चरिंग में ये लोग डाकू है, नहीं तो आप उनके थोपड़े को देख के कोई वोट देगा क्या? इन्हें विजयपुर से खास बुला भेजा है। उंगली वाली स्याही को पहुंच कर वही बूथ में फिर वोट को तुम कैसे डालेंगे ये बोलेगा तुम, नहीं तो आप उनके थोपड़े को देख के कोई वोट देगा क्या? मैं जीत गया तो ये भाई को भी एमपी इलेक्शन में विन होना है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, नॉन अवेलेबल वारंट है मेरे पास। अबे मुंह छोड़ दे, मुंह भाई से। आथर, अब तो खलास हो गया इज्जत का फलूदा। मैं अगर कोर्ट में गया तो इलेक्शन भी हार जाऊंगा। मेरे को इधर से बाहर फूटना है, कुछ भी कर। क्या कहा? अगर उस गुंडे को पुलिस ने न छोड़ा तो पेट्रोल उड़ेल कर मेरे बेटे को पुलिस थाने के सामने चुनौती देनी। तुम जाओ यहाँ से। तुम ये सोचते होगे कि सच में बेटा मर जाएगा? बिना नौकरी जीना बेकार है, तुम्हारा बेटा सोचता होगा। भूखे पड़े रहने से तो जहर खाकर मर जाना बेहतर होगा, तुम्हारी पत्नी सोचती होगी। इस परिस्थिति में तुमको जीना है तो ये 20,000 रुपए काम आएंगे तुम्हारे। सच में जान नहीं देनी, जान देने का नाटक होगा। खूब सोच लो तुम। हमारे दुर्गा प्रसाद जी को छोड़ दीजिए। एसपी साहब, अब 2 मिनट का ही टाइम है। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, आत्महत्या कर लूंगा। दुर्गा प्रसाद जी को नहीं छोड़ा तो आत्महत्या कर लूंगा।
आत्महत्या कर लूंगा। लोगों के निस्वार्थ नेता के वास्ते एक नौजवान प्राण दे रहा है, उसको एक नुमाइश की तरह देख रहा है पुलिस डिपार्टमेंट। शर्म आनी चाहिए इनको, ये लोग जनता को क्या बचाएंगे? हमारे नेता को छोड़ दो, हमारे नेता को छोड़ दो, हमारे छोड़ दो। हेलो, क्या बोले? चाहिए साहब, विप्लव शक्ति है ये, युवा शक्ति है ये, अपने दुर्गा प्रसाद जी के लिए प्राण त्याग दूंगा। दुर्गा प्रसाद जी को फौरन छोड़ना होगा। माचिस दीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या है ये सवाल? बे मतलब है जीजा जी, ये सस्पेंशन ऑर्डर है आपका, ले लीजिए। आपकी गलती की वजह से पुलिस स्टेशन के पास एक युवक अपने आप को जलाकर मर गया, उसके लिए नौकरी से मुअत्तल क्यों ना किया जाए, आपको जवाब मांगा है आपसे। ठीक बात बोला तुम। कल इन हाथों में हथकड़ी पहनाया तू, क्या हुआ? तेरी नौकरी छूट गई। अपुन को तेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा। अभी तुम लोग खत्म बोलो तो, लेकिन इलेक्शन चालू है, सिंपति फिनिश होगी। मैं मेयर की शपथ बाद को लूंगा, इधर शपथ मैं लेता हूँ। आज को छोड़ के रोज को एक लाश तुमको मैं भेजूंगा। सोमनाथ, मैंने तुझे खून दिया है, मुझे मत मार प्लीज।
जज साहब, मेरे बेटे को मार डाला जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मेरे बेटे को मार डाला जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मेरे बेटे को मार डाला, मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। माधुराम जी, ये सब क्या है? मेरे बेटे को जयराज ने मार डाला। कोर्ट में क्यों आए? फौरन तुम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाओ। कोर्ट इज अडजर्न। दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं, सब सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे बेटे जयराज को सोमनाथ ने मार डाला, मार डाला। कहने वाले वकीलों, आओ, बाहर आओ, मेरी लाश को देखो, मेरी लाश को देखो, मेरी लाश को देखो, हाजिर हो, हाजिर हो। रोज एक लाश हमें भेजेगा, दुर्गा प्रसाद चैलेंज कर चुका है, इसीलिए आज जयराज को मार डाला उसने। उसके गम में माधुराम जी ने आत्महत्या कर ली। प्रजा सेवा की आड़ में दुर्गा प्रसाद मेयर होने वाला है, उसे इलेक्शन में खड़ा होने से तुम रोक नहीं सकते। यह प्रजातंत्र देश है भैया, नहीं रोक सकता। प्रजातंत्र देश में नहीं रोक सकते? रोकूंगा मैं, रोकूंगा मैं, रोकूंगा मैं, रोकूंगा मैं, रोकूंगा मैं, रोकूंगा। सर, आप सबको मालूम है दुर्गा प्रसाद साला नंबर वन गुंडा है। माँ जी, बहन जी, सब लोग मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज, वो सारे शहर को बर्बाद कर देगा। भाई साहब, माँ जी, प्लीज, आप लोग क्या करके उसको वोट मत देना, वो नंबर वन गुंडा है, पक्का मवाली है। भाई साहब, उसको वोट मत देना। माँ जी, प्लीज, उसको वोट मत देना, उसको वोट मत देना, उसको वोट मत देना, प्लीज, उसको वोट मत देना। सर, आप सबको मैं बोलता हूँ, दुर्गा प्रसाद को वोट मत दो सर, मैं सच कहता हूँ, वो अगर मेयर बना तो हर रोज दो तीन मर्डर करवा देगा। माँ जी, बहन, प्लीज प्लीज उसको वोट मत दो। तुमको नहीं मालूम सर, माँ बहनों को भूल जाएगा, वो अगर मेयर बना तो तुम लोगों को नहीं मालूम, राशन नहीं, लोगों को शक्कर के रोजी नहीं, चाकू बॉम्ब मिलेंगे, चाकू बॉम्ब मिलेंगे सर। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, उसको वोट मत दो। Ah!
भजन करके जाइए सर, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। गुंडों की दुश्मनी ने इनकी नौकरी छुड़वा दी। भाई को आज हम लोग खो बैठे भैया, अभी शहर गए चूल्हे में, छोड़ो ये मनुष्य का भैया। आज भाई का पिन कौओं को दिया, उनके पिन मैं लोगों को दूंगा। क्यों लायर, अपने भाई की मौत पर रोने की बजाय बड़े ठाट से चलते हुए आए हो? स्टाइल बदल दिया। हाँ? यानी लायर की पोस्ट छोड़कर गुंडा बनने की सोच रहे हो? चाकू बचाओ बचाओ, अबे ओ घुसदिल, घर में घुसता है, डर जा तू। क्या हुआ, क्या हुआ बता दो भैया, बताओ ना क्या हुआ, कुछ तो बताओ। अरे पीछे चला तुम लोग। कौन है वो बेटा? हेलो एसपी साहब, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रकाश बोल रहा हूँ। सर, सोमनाथ गुंडा मेरा पीछा करते करते मेरे घर में घुसा है, मुझे मारना चाहता है, मेरे घर में तोड़फोड़ कर रहा है वो सर। आप फौरन आइए प्लीज। दीदी जब मैं बाहर जाऊं तो दरवाजा बंद कर लेना। तू मत जा। तुमने लॉयर को देखा है मुझ में, अब तुम मेरा दूसरा रूप भी देखोगी। अरेस्ट कर लो। अरेस्ट? यस, मैंने तुम्हें सोमनाथ को मारते हुए देखा, हाथ में चाकू पकड़े, मेरे पीछे दौड़ा, लोग गवाह हैं। तो आपको फोन भी किया मैंने, पर आप वक्त पर ना आ पाए। अपने घर और जान को बचाने के वास्ते मैंने इसके प्राण लिए। आईपीसी सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 के तहत मैंने जो किया हत्या नहीं, वो इट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमिसाइड। सर लॉयर है ना, रूल के मुताबिक मारा, अब तो इसकी बॉडी को ही ले जाना है बस, और कोई काम नहीं। वन मिनट बॉस, विजय साहब का फोन है। नहीं है, बोल दे।
क्या लायर मैम साहब, वो लायर साला सोमनाथ को मारा कोई जुर्म नहीं है, ये लिखे लाए क्या किताब में? वही ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हूँ, ढूंढने ढूंढने में मेरा पन्ना पलटी मार गया तो? ला के मुताबिक ही मारा, हमारे एसपी ने बोला। ला तो आदमियों को बचाता है, वो तो मारा है ना भाई? कोई ना कोई सेक्शन होगा, उसी को तो मैं ढूंढ रही हूँ। क्या लायर मैम साहब, तुम ला पढ़ा भी या कॉपी करके पास हुई? दो चार सेक्शन तो नहीं, वो हजारों में है। उसने किसी भी सेक्शन में मारा हो परवाह नहीं हमें, उससे भी स्ट्रांग सेक्शन मैंने ढूंढ लिया है, कोई एफआईआर बनाए बिना उस प्रकाश को खत्म कर दूंगा। तुम क्या माथुर को मार डालोगे? डेफिनेटली। क्या? इसी सेक्शन के अंदर एक और क्लॉज है, जब भी कोई लड़की का मान भंग करने की कोशिश करे तो पुलिस को इन्फॉर्म करो, वो अगर ठीक वक्त पर ना पहुंचे तो फिर मांग भंग करने वाले को मार सकते हो। सेक्शन तो बड़ा उम्दा है, पर उसका तो मान भंग के लिए लड़की कौन होगी? तुम। मैं? यस। उस माथुर साले की तुम पर आंख है, उस चक्कर में उसे शिपयार्ड में बुलाऊंगा, वहां तुम रहोगी, उसे तुम फुसलाओगी, वो तुम्हारा मान भंग करने के लिए टूट पड़ेगा, मैं उसकी छुट्टी कर दूंगा। पापे, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम एक रिहर्सल करो मेरे साथ। वो ऐसे तुम पर कूद पड़ेगा, तुमको बचना होगा। तुम ऊपर कूदे बहुत मजा आया। बिना शादी कही? आप और मेरे बेडरूम में स्टाइल बदल जाएगा, ये सोचा भी नहीं था। वो स्टाइल नहीं बदला मैंने, ये स्टाइल है वो। पहला मर्डर कर लिया तो फिर दूसरा मर्डर करना आसान है, सुबह नाश्ता किया शाम को डिनर जैसा। मुझे नहीं मारो, रुपयों की लालच में। तुम्हें मैं एक शर्त पर छोड़ूंगा, तुम अगर मेरी मदद करो तो। बोलिए। माथुर साला पायल से ब्याह के ख्वाब देख रहा था ना? लेकिन वो तो आपको ही। कल सुबह पूरे 10 बजे माथुर को शिपयार्ड में बुलाओ, वहां पायल मिलेगी उसे, पायल का रेप करने को बोलो उसे। रेप? यस। ये नहीं हुआ तो 10:01 पर तुम्हारी लाश को मछुआरे समुद्र में से निकालकर बाहर लाएंगे। माली बात होगी, ये मालूम हो गया वो मुझको मारने वाला है। सेक्शन 100 की मालूमात सिर्फ तुझको नहीं मुझको भी है, पुलिस को फोन कर दिया है। उनके आने पर तू जब लायर कमला को रेप करने वाला था, माननीय व्यक्ति यानी मैंने तुझको मार के लायर की इज्जत बचाई, ये बोलूंगा। डाउट छोड़ दे, तेरी माशूक है, पुलिस के आने तक बोर ना हो उस वक्त तक इसके शरीर को न छूंगा। Oh!
मुझे, कमीने, लेट मी अलोन। एसपी साहब, ये माथुर मेरा रेप करने वाला था। लॉर्ड प्रकाश ने टाइम पर आकर बचाया मुझे और यह कामयाब नहीं हुआ। प्रकाश ने सिर्फ मेरी मदद की है। सेक्शन 100 सब सेक्शन 2 के मुताबिक कोई जब लड़की का मान भंग करने का प्रयत्न करे तो फिर पुलिस कंप्लेंट के बावजूद पुलिस टाइम पर आकर लड़की को ना बचाए तो मान भंग करने वाले को तुम मार सकते हो। एम आई करेक्ट? 100%। मिस्टर, और कितने क्लॉजेस के तहत और कितने मर्डर करोगे बोलो तो प्रिपेयर हो जाए हम। लास्ट क्लॉज लास्ट मर्डर, दुर्गा के मेयर शपथ समारोह से जरा सा पहले। नमस्ते एसपी साहब। ए, सिटी में कर्फ्यू चालू हो गया है, इन सबको कर्फ्यू पास दे डालो एसपी साहब। बोले के तुम सब लॉयर के घर को जाके मेरी मेयर की शपथ लेने के टाइम पे उसकी मैयत भी वही रोड पर से जाना मांगता क्या? उठो। हेलो, मैं हूँ बे, कल सवेरे मेयर की कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। ये नहीं होगा। चुप है। सिटी में कर्फ्यू काहे को डाले है? लोगों के वास्ते? नहीं बे, तेरे वास्ते, तेरा मर्डर करने को। कर्फ्यू में ही तेरे घर पर आऊंगा। चैलेंज। कैसे आएगा बे? एसपी मेरा आदमी है, तुझे पास कौन देगा? तेरे चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा, कहाँ तोड़ू यही देखना है, दुम मत दबाना। मैं वहाँ आऊंगा, दम हो तो वहीं पे रुकना तू। जा भूतनी के। Thank you.
परसों रिलैक्स कर दिया मैंने, अब तुम लोग जाओ।
कोर्ट का अपमान करने वाले लायर प्रकाश को बार एसोसिएशन से डीबार करना चाहिए। उसकी लॉ डिग्री रद्द करनी है। उसके बगल में चले तो फिर खूनी कहेंगे लोग हमको भी। स्टॉप इट। मुझे बार एसोसिएशन से डीबार करना है, मेरी लॉ डिग्री रद्द करनी है, मुझे फांसी पर चढ़ाना है। क्यों? किस सेक्शन के माध्यम से मुझे मुल्जिम कहते हो? किस सेक्शन के माध्यम से मुझे दोषी बोलते हो? तुमने सोमनाथ की हत्या की। तुम माथुर के खूनी हो। तुमने दुर्गा को बेड़े में से मार डाला। एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उस माथुर उस दुर्गा को जब फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की तब झूठी गवाहियों से वो बच गए। उस वक्त आप लोग बोले थे क्या? वो लोग हत्यारे हैं। ये गवाही देने को जब कोर्ट में आते वक्त उस भारती को कोर्ट के बाहर ही मारना चाहा, उस वक्त आप लोगों को दर्द हुआ? निराश हुए जज साहब ने जब राजीनामा दिया उस वक्त, निर्दयता से जब मेरे भाई को मारा उस वक्त, गुमाश्ता की बेटी और बेटे को मार डाला, भगवत गीता पर सौगंध खाई थी उसी गुमाश्ता ने, बेबसी का घूंट पीकर गले में फांसी लगाकर वो मर गया उस वक्त, दो मिनट का मौन न रखने वाले आप लोग अब इस मीटिंग में मुझको फांसी दिलवाने पर तुले हैं? गुंडों को गुंडा लिखने की हिम्मत नहीं है पेपर्स में इन दिनों। सजा पाने वाले खूनियों को बचाने की कोशिश में दिन रात लगे हैं ये लॉयर्स इन दिनों। राजकीय स्वार्थ के लिए गुंडों को MLA, MP या मेयर बनाते हैं लोग इन दिनों। फिर डेमोक्रेसी कैसे बच सकेगी? हत्या करके तुम डेमोक्रेसी बचाओगे? मैंने आत्मरक्षा के लिए ही सिर्फ हत्याएं नहीं की है। सोमनाथ ने मेरे घर को विध्वंस किया तब उसे मारा। जिस वक्त पायल का माथुर बांध भंग करने वाला था तब उसे मारा। ये खून IPC सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 के मुताबिक ही मैंने किए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट इसका साक्षी है। दुर्गा जब मुझे मारने वाला था तब उसे मारा। खून से भरा मेरा ये शरीर इस बात का साक्षी है। इस बदन में धसे हुए बहुत से बुलेट्स साक्षी हैं। लेकिन ये खून जानबूझकर किया तुमने, इसके लिए मौत की सजा मिल सकती है तुम्हें। मुझे परवाह नहीं। 40 लाख लोगों को चार गुंडे छुरियों से मुट्ठी में रखे उस चलन को बदलने के लिए, घरों को जो विध्वंस करे, औरतों का मान भंग करने जो भी आए, जो कोई आपकी जान लेने को आए उनको भले ही मार दे, वो जुर्म नहीं न्याय होगा। जनता को बताने के वास्ते मैंने ये किया अब तक। मुझे आप फांसी दें, खुशी खुशी मैं अपनी बलि दे दूंगा, भगत सिंह हो जाऊंगा। मौत की सजा मिली तो बंदूक की गोलियां अपनी छाती पर झेलने वाला मंगल पांडे बन जाऊंगा। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए ये मेरा कर्म युद्ध था। खुशी खुशी आज मैं ये प्राण देश को अर्पित करता हूं। वाली बोली भली चमिया छबीली, चलो झुमरी तलैया ये रुख है रंगीली। हिंडोले हिंडोले ये खाए बनम्बा, बोले राजा मुआ बचता मारा बदन्ना।